क्या आप भी वेट लॉस जर्नी पे हैं और बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं पर फिर भी वेट नहीं जा रहा है? घर में बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, काफ़ी टाइम दे रहे हैं एक्सरसाइजेस को, फिर भी डिजरेबल रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। जिम जा रहे हैं, ट्रेनर के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा? डोंट वरी, आप हेल्दी डाइट भी ले रहे हैं फिर भी कुछ मिसिंग है। जी हाँ, मिसिंग है मैजिकल ड्रिंक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक मैजिकल ड्रिंक जो कि बहुत ही इजी है, क्विक है, पॉकेट फ्रेंडली है, बट बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आएगा। इसे आप अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए, आपको इसका विजिबल रिजल्ट मिलेगा और इजी टू मेक है। आप इजीली इसे अपने डेली डाइट में बना के यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही इजी अवेलेबल इंग्रेडिएंट है। इंग्रेडिएंट चलिए बताती हूँ क्या है, वो है, देख के समझ गए, जी हाँ, ये जीरा, जिसे हम हमेशा अपने किचन में यूज़ करते हैं कुकिंग के समय। तो ये जीरा जो है ना बहुत ही बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए। आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी जिक्र है। ये हमारे ब्लॉटिंग के प्रॉब्लम को ठीक करता है, डाइजेशन इम्प्रूव करता है, स्किन को शाइन देता है, हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है। रिसर्च में पाया गया है कि ये वेट लॉस में भी बहुत फ़ायदा करता है। तो इसे हम दो तरह से अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं और अपने वेट लॉस जर्नी में इसे इंक्लूड कीजिए। तो सबसे पहले हम जीरा वाटर बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने ड्रिंकिंग वाटर को एक ग्लास ले लिया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ये पानी है, इसमें हम ये 1 स्पून ये कच्चा जीरा इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर इसे हम कवर करके 5 to 6 आवर्स के लिए छोड़ देंगे या पूरी रात छोड़ दीजिए। फिर इसे हम सुबह इसे स्ट्रेन करके यूज़ करेंगे। ये हमारा जीरा वाटर तैयार है, एम्प्टी स्टमक में यूज़ कीजिए और इसके माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट रेसिपी जो मैजिकल ड्रिंक है उसकी तरफ चलते हैं। तो मैजिकल ड्रिंक क्या है? जीरा टी, क्यूमिन टी, बहुत ही ये बेनिफिशियल है और बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलिए इसका भी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यही जीरा वाटर जिसे हमने सोक किया है उसी का इस्तेमाल हम अपने जीरा टी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है और इसे गैस पे रख लिया है और ये जो सोक्ड जीरा वाटर है जिसे हमने 5 से 6 घंटा सोक करके रखा है, इसे अब हम गर्म करेंगे। तो हाई हीट पे इसे हमें गर्म करना है। इसे तब तक गर्म करना है जब तक कि इसमें बॉयल आना स्टार्ट ना हो जाए। तो हाई हीट पे इसे रेगुलर हिलाते हुए हम इसके बॉयल आने तक हाई हीट पे इसे बॉयल कर लेते हैं। जीरा जो है ना ये काफ़ी अच्छा होता है हमारे स्टमक के लिए, लीवर के लिए और बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिसमें ये हमें फाइट करने के लिए हेल्प करता है। तो इसे तो हम हमेशा अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं ना खानों में टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो आज इसका हम ड्रिंक बना लेते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट बॉयल आ चुका है। अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर सिमर करके कुक करेंगे एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए, जिससे ये थोड़ा रिड्यूस हो जाए और इसके जितना एक्सट्रैक्ट है वो पानी में हमारे टी में आ सके। ये देखिए 5 to 6 मिनट्स मैंने इसे सिमर कर लिया है लो हीट पे। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है, इसका सारा तत्व जो है वो वाटर में आ चुका है। अब ये बिल्कुल तैयार है हमारे ये मैजिकल ड्रिंक बनके। तो चलिए इसे हम इस्तेमाल करने के लिए चलते हैं। इससे पहले इसे हमें स्ट्रेन करना होगा। तो चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं। तो इसे गर्मा गर्म स्ट्रेन कर लीजिए और ये ड्रिंक हमारा तैयार है। और क्या मज़ेदार कलर आया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। इसके बेस्ट यूज़ के लिए इसे यूं ही आप
इंजॉय करें। इसमें किसी भी एडेड फ्लेवर को ना ऐड करें, जैसे कि शुगर, जैगरी, सबको ऐड बिल्कुल ना करें, यूं ही इसे पिए। और ये जो लेफ्ट ओवर बच गया ना बॉयल्ड जीरा, इसे आप करीज बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे ल्यूक वॉर्म होने दीजिए और इसे आराम से बैठ के तसल्ली से सिप सिप करके पीजिए, इसे इंजॉय कीजिए, तब फिर इसका आप मैक्सिमम बेनिफिट आप इसे ले पाएंगे। तो इस ड्रिंक को आप बेस्ट रिजल्ट के लिए सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद तसल्ली से बैठ के सिप सिप करके ल्यूक वॉर्म पीजिए। ल्यूक वॉर्म ही पीजिएगा तभी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, विजिबल रिजल्ट मिलेगा, आप इंचेस में अपने वेट को लूज करते हुए देख पाएंगे, सभी कहेंगे क्या मैजिक हो रहा है। तो बताइएगा मत, इस मैजिकल ड्रिंक को आप एक से दो बार पी सकते हैं, ज़्यादा किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता, तो एक से दो बार आप इसे पीजिए और वेट को लूज कीजिए। जीरा का एक्सेस यूज ना अच्छा नहीं होता है, इससे आपको ब्लड शुगर लो हो सकता है, आपका बीपी लो हो सकता है। जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसे इस्तेमाल करें। मुझे आपके फीडबैक्स का इंतज़ार रहेगा, कमेंट्स में बताइएगा कि ये ड्रिंक आपको कैसा लगा और इसे आपने यूज़ किया है कि नहीं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, लव यू माय फ्रेंड्स, ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।